नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी को का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो एम्प्लॉयज हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और जिस उद्देश्य के लिए धर्मा ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, आज इतने वर्षों के बाद क्या वो उद्देश्य सार्थक है या उसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता है, और इसी परिवर्तन की बात एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो कर रहे हैं, और कितनी सार्थक ये मांगे हैं। और खासकर एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना हो चुकी है और उस संदर्भ में कायाकल्प श्री माता वैष्णो देवी का हो चुका है, और यही मांग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कर रही हैं कि या तो जो धर्मा ट्रस्ट के अधीन जो मंदिर हैं उनको भी धर्मा ट्रस्ट के अधीन जो श्री माता वैष्णो देवी की तर्ज पर उसका भी एक बोर्ड बनाया जाए, और एम्प्लॉयज़ की जो वेलफेयर की मेजर्स हैं उनका ध्यान रखा जाए। कितनी सार्थक मांगे, और लगातार जो प्रोटेस्ट लगभग 57th डे हो चुके हैं, क्या आने वाले समय में कोई संज्ञान सरकार की तरफ से या धर्मा ट्रस्ट की तरफ से लिया जाएगा, यही आज की सीधी बात। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका तारुफ जिनका परिचय आप सबसे खगल दूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री कर्नल चंद जी बैठे हैं, आप फाउंडर हैं और एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के, इसके अलावा आप फॉर्मर प्रेसिडेंट भारतीय मजदूर संघ के भी रह चुके हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं पंडित संजीव शर्मा जी, आप प्रवक्ता हैं धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के, उसके अलावा आप धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सिविल सोसाइटी के दो अहम मेंबर, जो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति अपनी करेगी कि कितनी महत्वपूर्ण खासकर परिवर्तन की आवश्यकता है। सबसे पहले श्री राजीव चारक जी बैठे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं बहुफोर्ड वेलफेयर कमेटी के और भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता भी हैं, समय समय पर जनहित के मुद्दों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको उठाते हैं। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, आप प्रेसिडेंट हैं JJSF के, और आम जनता की अभिव्यक्ति खासकर युवाओं की अभिव्यक्ति आप हमेशा करते आए हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। कर्नल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, लगभग 57 डेज हो चुके हैं जिनको लेकर धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, चेन हंगर स्ट्राइक भी चल रही है। सबसे पहले आम जनता की जानकारी के लिए किन मुद्दों को लेकर धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन आज एकजुट होकर लामबंद है धर्मा ट्रस्ट के? देखो, हम पिछले लगभग 30 साल से हमारी यही डिमांड रही है कि धर्मा ट्रस्ट जो है, ये जितने भी मंदिर है वो माता वैष्णो देवी के अधीन होने चाहिए। कर्मचारियों ने भी अपनी मांग रखी कि भाई हमारा श्राइन बोर्ड के मतलब पे स्केल होने चाहिए, लेकिन हमेशा धोखा हुआ, उनको नज़रअंदाज किया दिया, उनकी अनदेखी हुई। और हमने यही देख कर एक संगठन बनाया कर्मचारियों का, जो बीच में इन्होंने क्या किया, जब संगठन बना रजिस्ट्रेशन हुई 93 में, तो जब चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया तो इनको जो मैनेजमेंट के लोग हैं ट्रस्टी हैं उनको सांप सूख गया। उन्होंने यूनियन को चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में कि जहां यूनियन नहीं होनी चाहिए। हमने उस यूनियन को 8 साल हमने केस लड़ा, हमारे हॉनरेबल रिटायर्ड जज हरवंश लाल बड़गोत्रा जी ने केस लड़ा, और द्वाबिया साहब जो जज थे उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया कि इनको अधिकार है ये अपना ट्रेड यूनियन बनाने का, और ये अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। उसके बाद हमने संघर्ष शुरू किया कर्मचारियों की डिमांड के लिए 98 में, और ख़ासकर संघर्ष ये भी रहा जब इनकी तरफ से यही जवाब आता था हमारे पास पैसा नहीं है, ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है। पहली बात तो ये इट वाज नॉट ए ट्रस्ट, ये एक डिपार्टमेंट था। जब 1847 में इसकी स्थापना हुई महाराजा गुलाब सिंह ने की, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बाकायदा कर्मचारी इसमें पेंशन लेते थे, और जो स्टेट सर्वेंट थे जो सरकारी कर्मचारी थे उनके बराबरी इनकी जो सर्विस रूल उस वक्त थे उसके बराबरी इनकी सर्विस रूल चलते थे। लेकिन हुआ क्या, जब से रूलर जो सोल ट्रस्टी उन्होंने महाराजा रणवीर सिंह अपना पुत्र जो महाराजा गुलाब सिंह थे उनको सोल ट्रस्टी नियुक्त किया, उन्होंने एक आइन बनाया आइन्य धर्मार्थ बनाने का उनका मकसद यही था कि इस डिपार्टमेंट का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये स्टेट खरीदी
और जहाँ के राजा बने, तो उन्होंने देखा कि माता वैष्णो देवी का एक प्राचीन गुफा जो त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है माता, और दूसरी तरफ परमंडल के अंदर जो शिव जी का आप शंभु वहाँ मतलब प्रकट है, उन सबको जो प्राचीन मंदिर हैं उनकी देख रेख के लिए एक परमानेंट महकमा धर्मार्थ डिपार्टमेंट बनाया, और महाराजा रणवीर सिंह को उसका सोल ट्रस्टी नियुक्त किया। महाराजा रणवीर सिंह ने आईने धर्मार्थ बनाया, और आईने धर्मार्थ में उसमें इस महकमे का उद्देश्य भी बताया कि कैसे मंदिरों की रिपेयर मेंटेनेंस होगी और इसमें क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने ये लिखा कि सदाव्रत लंगर मंदिर के साथ, हर एक मंदिर के साथ सदाव्रत लंगर होगा, और रघुनाथ जी मंदिर में सदाव्रत उन्होंने एक ट्रेजरी कॉल बनवाई, रघुनाथ जी ट्रेजरी 5 लाख रुपया उन्होंने सेपरेट स्टेट फंड से किया और एक रघुनाथ ट्रेजरी बनाई, और ये लिखा उसमें कि इस ट्रेजरी के इस जो 5 लाख रुपया है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो पैसा मंदिरों के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, वो बाकी खर्चा इसके ऊपर होगा, उसमें लिखा हुआ है। साथ में उन्होंने ये भी शब्द लिखा, कसमें लिखी कि अगर इस पैसे का कोई मिसयूज ऑफ फंड्स करेगा, इस महकमे के पैसे का कोई स्टेट सर्वेंट, कोई जहां का कर्मचारी चाहे कोई इसका जो पदाधिकारी है, तो उनको 1 करोड़ गाय का वध का पाप लगेगा, ये उसमें लिखा, क्योंकि वो दूरदर्शी राजा थे, शायद उनको अंदाजा था कि आने वाली पीढ़ी कैसी होगी या आने वाले लोग कैसे होंगे, यहां क्या क्या करेंगे, और सच में आज ये कलयुग में ऐसा ही हो रहा है, और ये जो संघर्ष है, ये लड़ाई है, ये ऐसे नहीं है, इसकी सच्चाई ये है कि आप देखो रावण के, रावण की लीला हुई उसको हम रामलीला कहते हैं, जब रावण के युग में उसको हमने रामलीला कहा, राम प्रभु ने वो लीला रची थी हुई, और द्वापर में अपने त्रेता युग में अपने कृष्ण लीला हुई कंस के कारण, वो भी उन्होंने रची हुई थी, और ये जो संघर्ष है कर्मचारियों का, ये अब करण लीला है, मैं ये समझता, मैं इस दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि जब कोई सच को ना माने, जब देख आंखें होते हुए भी अंधा हो जाए, तो उसका यही परिणाम तो लड़ाई होगा, मैं इसी दृष्टि से इस चीज़ को देखता हूँ, क्योंकि 30 साल जब हमने एसोसिएशन बनाई तो हम तो मूली कर्मचारियों का जब देखा उनकी बुरी दशा है, 2-2, 3-3 सौ रुपये तनख्वाह है, मैं उधर अकाउंटेंट था, मैं 300 रुपया लेता था, 90 में मेरी भर्ती हुई, 90 में पार्ट टाइम, जबकि मैं 1000 रुपया कनक मंडी में अपने प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी के पिताजी थे, वो उनको मैं पिता समान समझता हूँ, बड़ी आदर करता हूँ उस फैमिली की, और वहाँ मैं पार्ट टाइम 1000 रुपया लेता था, 2 घंटे काम करता था, जहाँ मुझे 8 घंटे काम करना है 300 रुपया मिलता था, बाकी भी मेरे पढ़े लिखे साथी थे, बेरोजगार बेचारे आते थे, जहाँ चलो टाइम पास करते थे, लेकिन जब उनको लगा कि हम अब उम्र बीत रही है, 20-20 साल हो गए तो कुछ होना चाहिए, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, तो एक यूनियन खड़ी की, तो इनको यूनियन भी बर्दाश्त नहीं हुई, जब हमने संघर्ष शुरू किया, इनके जो काम करतूतें देखकर हमने जब संघर्ष शुरू किया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 95 में करण मार्केट बनाई गई, इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला, कोई पारदर्शिता नहीं हो रही, जहाँ इसमें 35-35 लाख की दुकान बिकी है लेकिन ट्रस्ट के अंदर एक पैसा नहीं जमा हुआ। 98 में मुझे डॉक्टर साहब ने दिल्ली बुलाया, डॉक्टर करण सिंह ने अपने घर, और हमारे कुछ साथी के मुद्दा था जे कि रणवीर यात्री भवन को जे बेच रहे थे, ये भवन है यात्रुबार से आता है, 2 ही भवन है इनके पास, एक हरि भवन एक यात्री भवन रघुनाथ मंदिर के साथ, तो ये आस्था का केंद्र ये होता है कि यात्रुबार से आता है उसकी एक आस्था जुड़ी होती है, वो भवन में रहना पसंद करता है, अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, एक रिलीजियस उसकी भावना होती है, तो इन्होंने क्या किया, वो भवन किसी को ठेके पर दे दिया, और उस वक्त 1,24,000 रुपये दिया, 2006 में उसका किराया 55,000 करके डीड चेंज कर दी, तो कितने गड़बड़ घोटाले हम अगर बताना चाहेंगे
तो इनकी मैं तो कहता हूँ कि रामायण में सात कांड है, सुंदरकांड जो सात कांड हम पढ़ते हैं रामायण महाभारत, और महाभारत में अध्याय 18 अध्याय, लेकिन अगर इनके कांड जो हैं जो इन्होंने कांड किए धर्माट्रस में स्कैंडल कांड, तो इनके हजारों लाखों में आएंगे। पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपने यहाँ पर जिक्र किया और आपने कहा कि कहाँ कहाँ जो त्रुटियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत बड़ी त्रुटियाँ हैं। पंडित जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। संजीव जी, जिस तरह कर्नल जी ने कहा कि 300 रुपये लिया करते थे 8 घंटे, इस वक्त वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, क्योंकि जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक मेन मुद्दा है कि अगर श्राइन बोर्ड के अधीन नहीं आ सकते तो जो वेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, एट पार विद श्राइन बोर्ड, इस वक्त स्थिति क्या है? एक आम साधारण एम्प्लॉय जो इस दरबार ट्रस्ट में काम कर रहा है, कितनी सैलरी ले रहा है? सबसे पहले तो मैं टेक वन चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमें चैनल में बुलाया है, और आज हमारा पूरा भारत 72वां गणतंत्र दिवस बना रहा है। हम पूरे मैं पूरे भारत को, मेरी पूरी टीम की तरफ से पूरे भारत को शुभकामनाएं देती हैं। मगर हमारे जो धर्मार्थ ट्रस्ट के जो मुलाजिम हैं वो आज भी गुलाम हैं, आज भी हमारे हाथ में गुलामों की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। आज हमारा कर्मचारी सिर्फ 3,000 से लेकर 10,000 के नीचे बीच में वो पे ले रहा है। आप बताइए इस महंगाई के टाइम में कि 7 या 8 हजार से कुछ बनता है? कुछ नहीं बनता है। इसलिए हमारा एक ही मकसद था, हमारी जब यूनियन अभी दोबारा उसको रीएक्टिवेट किया गया, ताकि इसलिए किया गया ताकि हमारा देखो जो श्री माता वैष्णो देवी थी वो भी धर्मार्थ ट्रस्ट का हिस्सा था, वो श्री जगमोहन जी ने उसका एक ट्रस्ट बना दिया गया, श्राइन ट्रस्ट बना दिया गया, और बाकी मंदिरों को जो 130-135 मंदिर हुआ करते धर्मा ट्रस्ट के अंदर, अभी 105 मंदिर रह गए, बाकी गिर गए हैं, उनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो गई है। और वो उन मंदिरों को क्यों छोड़ दिया गया? उनको भी उसी श्राइन बोर्ड में डालना चाहिए था। आज देखो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बिल्कुल कायाकल्प हो चुकी है उसकी वहां पे। इसलिए हम चाहते थे कि उस इन मंदिरों को भी उसी में डाला जाए, ताकि धर्मा ट्रस्ट के जब हमारे सेक्रेटरी साहब से बात होती है, जब ट्रस्टी तो हमसे बात करते नहीं है, जब नीचे मैनेजमेंट से बात होती है वो कहते हैं हमारा टर्नओवर सिर्फ 7 करोड़ रुपया है। बस 7 करोड़ रुपया एक मात्र 34 साल के अंदर वैष्णो देवी 700-800 करोड़ रुपया अगर वो टर्नओवर साल का बना रही है, तो धर्मा ट्रस्ट 7 करोड़ रुपया क्यों है जो 150 साल से मंदिर चला रहा है? वो कम से कम इस बात को 70,000 करोड़ उनका टर्नओवर होना चाहिए था साल का, क्योंकि इन्होंने सारी जो भी इसके सोर्स ऑफ इनकम से क्रिएट ही नहीं किए, इन्होंने सारी जमीनें बेच दी। गांधरबल में 94 करोड़ 6 मरले जगह उन्होंने 19 लाख में बेची, मेरे पास पूरा सबूत उसके बीच में पड़ा हुआ है मेरा। और इन्होंने कर्ण मार्केट बनाई 1 करोड़ 15 लाख में। क्या कर्ण मार्केट उस वक्त 1 करोड़ 15 लाख में वो जमीन बेचती थी, दुकानें बिकती थी? वो पैसा कहां गया? वो ट्रस्ट में नहीं आया उसका। अभी भी कुछ लीज डीड से ना जात्री भवन श्रीनगर जो हमारा हेड ऑफिस हुआ करता था 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर, उसको भी लीज डीड पे दे दिया गया, वो भी मेरे पास सबूत है। अगर आपको चाहिए, जिसको भी जम्मू वासी को चाहिए, वो मेरे पास सबूत है, मैं उसको पूरा कोर्ट के सबूत है, वो आपका बनाए नहीं है, हमने पूरे पूरे शहर वालियों को हम बताना चाहते हैं, जो जम्मू के डोगरों को बताना चाहते हैं कि डोगरा डोगरों को लूट रहा है, आप इसको बचाइए, नहीं तो ये हमारा जो हमारा डोगरा कल्चर जोरा डोगरा हेरिटेज खत्म हो जाएंगी, ये बेच पड़ के बाहर निकल जाएंगे। जे इनका तो यही है, महाराजा हरि सिंह ने बनाया था जो मंदिर बनाए थे, किसने बनाए थे? ताकि डोगरा कल्चर हो सके। 1972 तक पेंशन मिलती रही, उसके बाद पेंशन क्यों खत्म कर दी इन्होंने? इन्होंने डीडे चेंज की, कोर्ट में डीडे चेंज की, वो भी मेरे पास है, सोल ट्रस्टी परमानेंट। कहां से सोल ट्रस्टी परमानेंट आ गया? दिस इज ए पब्लिक ट्रस्ट, नॉट ए 1947 से पहले जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसके बाद इन्होंने सारी डीटेल चेंज किया अपने पर्सनल ट्रस्ट के लिए। और श्री माता वैष्णो देवी का एक्ट जब 1986 में लगा, वहां पे 1156/86 फाइल जो है उसमें एफिडेविट में जगमोहन जी ने लिखा हुआ है साम क्लियर का, जो मंदिरों का डोनेशन है दे यूज पर्सनल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हुए, क्लियर कट मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये और इसमें लिखा है कि जो फ्रॉड रूटेन ट्रस्टी है उसे क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है, गवर्नमेंट आर्डर है, कोर्ट का जो जगमोहन जी ने 1986 में जो कोर्ट का एफिडेविट दिया था, तब इन्होंने केस किया। पर केस भी लड़ा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इनके मन में खोट था, वो केस अगर लड़ते वो दोबारा वैष्णो देवी को वापस ला सकते थे, पर इन्होंने केस किया। इसलिए हमारी एक ही है
कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जहां जहां इन्होंने जमीनें बेची है वो सारा पैसा जो है कि ट्रस्ट के अंदर आ जाए। अगर हम ट्रस्ट को खुशहाल देखना चाहते हैं, हम जो महाराजा हरि सिंह का जो सपना है उसको साकार करना चाहते हैं, कम से कम उनसे तो ये संस्कार लेते हैं, महाराजा हरि सिंह जी काम करके रोटी खाते थे, ये तो आगे बाकी जमीने शमीने बेच बट के बाद सारा पैसा इकट्ठा कर किया और कहां भागेंगे वो भी पता कोई नहीं है इनका। जब हम आज आपके पैनल में, आपने भी हमें पता चला है कि सूरी साहब आपने उनको फोन किया था कि आप आइए पैनल में, वो क्यों नहीं आए, आइए ना सामने बात करिए उनसे, अगर आप सच्चे हैं तो आप ऐसी भी इंक्वायरी कराने में क्या तकलीफ है उनको, जो इंसान सच्चा होता है वो कभी डरता किसी से नहीं है। हम यही है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से भी मिले हैं, उनसे भी की है कि इसको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में मंदिरों को डाला जाए, जहां उसके तर्ज पर एक नया बोर्ड बनाया जाए ताकि इन मंदिरों का रख रखाव अच्छी तरह से हो। सिर्फ दो मंदिर, रघुनाथ मंदिर की भी पोजीशन ठीक नहीं, आप शिव द्वारे बीचों बीच जो शहर के मंदिर उसकी बाहर से हालत देखो क्या, बाकी जो आउटर टेम्पल्स हैं जो धर्मा ट्रस्ट की उनकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई बोर्ड बनना चाहिए ताकि ये डोगरा कल्चर डोगरा धरोहरों को बचाया जा सके, जो हमारे कर्मचारी हैं जो इसमें पुजारी लोग हैं उनको भी उसका कर्मचारियों का भी सुधार हो सके। ये बार बार बोलते हैं, कल भी मीडिया में इन्होंने कोई लोग किराए के टट्टू लाए थे, इन्होंने वो बोल रहे थे ये रघुनाथ मंदिर में हमने थाली उठा ली है इसलिए पंडित लोग इसमें उग्र हो गए। थाली किसने लगवाई थी, ये थाली को लगाते हैं। आप भी सर काम करते हैं, आपके जब बॉस नहीं बोलता आप कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए थाली लगवाने वाले यही ट्रस्टी थे और ठेका चलता था, इस पॉइंट से आपको 10,000 रुपया देना है, वो लूटना पड़ता था उसको, वो बेचारा बदनाम हो जाता था पंडित, यागी काम ये करते 10,000 रुपए रिटर्न है, पूरा पूरा उसका रिकॉर्ड है, उसका आप निकलवा सकते हैं उसके ऊपर। तो ये सारा काम भाई करते थे, रघुनाथ मंदिर से 7 बड़े बड़े बॉक्स हीरे जवाहरात के उठा के ले गए, वो कहां गए, वो वापस रघुनाथ जी का जो रघुनाथ मंदिर का जो रघुनाथ जी का खजाना है वो उसके चरणों में वापस आना चाहिए। और वहां पे 35 में मंदिर है शिवनाथ मंदिर है, वहां से शिवलिंग चला गया, उसका नीलम का शिवलिंग था, साथ में एक मंदिर हो रहा बाहर उसका गदाधर मंदिर है, वहां से हीरे जवाहरात वहां के पंडित ने जो कहता मेरे सामने वहां से 2.5-3 किलो वहां से उठा के लेके गए, वो कहां गए आप। राजीव जी मैं बताना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस इशू के दो पहलू हैं, एक तो जिन उद्देश्यों को लेकर खासकर जो मंदिर थे धर्मा ट्रस्ट के अंदर आ रहे थे उनका रख रखाव मेंटेनेंस, और उसके साथ साथ एक ह्यूमन इशू, क्योंकि इस वक्त 2021 में प्रवेश कर चुके हैं, 3,000 और 10,000 के बीच में एक मीगर सैलरी नहीं गुजारा नहीं बनता है, जो डिमांड्स है, क्योंकि आपने भी कई बार इस तरह की आवाज़ को बल दिया है, क्या कहेंगे जो डिमांड्स धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की है। सर्वप्रथम है भारत के जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व गणतंत्र दिवस है उसके उपलक्ष्य में समस्त जम्मू वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और मंदिरों का शहर यानी यहां पर जितना भी पर्यटक आता है वह सब का सब धार्मिक पर्यटक है, यानी मंदिर जो हैं वो यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। धर्मा ट्रस्ट का एक जो काम था कि इन मंदिरों की देखरेख और इनका रख रखाव ताकि अधिक से अधिक धार्मिक पर्यटक जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू में आए और लोगों की जो रोजी रोटी चले, परंतु यहाँ पर धर्मा ट्रस्ट ने इसको एक व्यवसायिक इकाई बना के रख लिया, यानी धर्मा ट्रस्ट ट्रस्ट का मायने है एक केयरटेकर, ना कि उसका मालिक, ये मालिक बन बैठे, इन्होंने ज़मीनें बेचना शुरू कर दी, इन्होंने जो मंदिरों की हालत थी वो ऐसी कर दी कि वहाँ पर कोई पर्यटक पहुँच नहीं सकता, अगर जाए तो देखे क्या वहाँ उनकी मंदिरों की हालत क्या है। एक रघुनाथ जी मंदिर को छोड़कर आप जो संपूर्ण धर्मा ट्रस्ट के मंदिर हैं उनमें अगर आप जाकर देखें, पुरमंडल में जाकर देखें या कहीं और जो आउटस्कर्ट्स में मंदिर हैं, उनकी हालत बड़ी बुरी है। वहाँ पर जो अभिषेक होना चाहिए वो नहीं होता, मूर्तियाँ जो हैं बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, शिवलिंग जो वो सफ़ेद और उनके ऊपर धब्बे पड़ चुके हैं, इस प्रकार का जो रखरखाव, इस तरह का जो केयर टेकर बनकर ये काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति को एक अच्छा वेतन दिया जा रहा है, यानी मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है, तो क्यों ये इस ट्रस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके साथ भेदभाव क्यों,
इनको भी एक अच्छा जो वेतन है वो देना चाहिए। अगर ये कहा जाता है कि पंडित चोर है, पंडित वहां पर लोगों को लूटता है, तो उसकी वजह कौन है? अगर आप कम वेतन देंगे तो कम वेतन देने पर उसने अपनी जो जरूरतें हैं पंडित ने वो भी तो पूरी करनी है। और फिर जैसे धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज के प्रवक्ता जी ने कहा कि उनको एक ठेका दिया जाता था, एक ठेका देना और फिर उनको ये कहना कि आप 10,000 इस पॉइंट से देंगे। और मुझे समझ नहीं लगती कि डॉक्टर करण सिंह जी एक बहुत विद्वान हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं, और ज्ञाता होने के बाद वो शिव शंभू के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत से उन्होंने भजन भी गाए, और ऐसे एक ज्ञानी व्यक्ति के प्रति कुछ मुझे बोलना शोभा नहीं देता, परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि उन्हें इस पंडित समाज की देख रेख करनी चाहिए जी। जबकि इनके जो पूर्वज थे महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा प्रताप सिंह जी, महाराजा रणवीर सिंह जी, उन्होंने बहुत से जल क्षय बनवाए, बहुत से मंदिरों का निर्माण किया, बहुत से इस प्रकार के जो जन सुविधाओं के जो स्थान थे उनका काम किया, परंतु जब इनके ऊपर बारी आई तो जो इस प्रकार के जितने स्थान थे उनका जो है इन्होंने बेचकर उनको मुक्त कर दिया। यानी आज आप जैसे रघुनाथ बाजार के आगे पीछे की जमीन देखें वो सब बिक चुकी है, कश्मीर के अधिकांश मंदिर जो हैं वो गैर हिंदुओं को उनकी ज़मीनें बेच दी गई हैं। और जो ये पुरमंडल उत्तर बहनी का क्षेत्र देखें, यहाँ पर प्राचीनतम मंदिर हैं, कहा जाता है कि ये मंदिर जो इसको छोटा काशी भी कहा जाता था, और जितनी भी यात्रा थी संपूर्ण बात से जो माता वैष्णो देवी के भी जो पर्यटक आते थे वो उसी रास्ते जाते थे, उसको उस ढंग से डेवलप किया जाना चाहिए था। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप एक अपनी टीम इन जो रघुनाथ ये जो धर्मा ट्रस्ट के मंदिर हैं उनमें भेज के एक कोई इस तरह का जो बनाए स्टोरी बने, वहां देखा जाए कि जो धर्मा ट्रस्ट के अधीन मंदिर हैं उनकी क्या हालात है और जो बाहर के मंदिर हैं उनकी क्या हालत है। मैं तो इस माध्यम से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें हस्तक्षेप करते हुए इन मंदिरों का एक ट्रस्ट बनाया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक इंडस्ट्री है, जो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी वेंटिलेटर पर है। आज हमारे टैक्सी वाले को काम नहीं है, रेल सीधी उधमपुर से माता वैष्णो देवी चले गई, यहाँ पर होटल जितने हैं वो सब खाली हैं। जम्मू मंदिरों का शहर है तो ये मंदिर जो है ये एक आकर्षण का केंद्र बने, ताकि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ धार्मिक पर्यटक आए और उससे उन मंदिरों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का कोई ना कोई छोटा मोटा रोजगार भी चले, जिससे यहाँ का विकास हो। और वास्तविक विकास तभी होता है जब लोगों को रोजगार मिले। के जो मंदिर है जो धर्मा ट्रस्ट के अंदर आने हैं, वाकई उनकी हालत काफ़ी जर्जर है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह आपने एक आह्वान किया एलजी साहब से कि देखने की आवश्यकता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। पुष्पेंद्र जी, हमेशा आप सीधी बात करते हैं, और इस मंच से क्या कहेंगे जो एक इशू धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी आवाज़ बुलंद की है? सबसे पहले तो मेरी तरफ से टेक वन चैनल के जो दर्शक हैं उनको आज 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विवेक जी, जो भी इश्यूज यहाँ पे रेज हुए हैं, जैसे कर्नैल सिंह जी ने बोला कि ये धर्मा ट्रस्ट नहीं था, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जी। और जो मैंने स्टडी की है इसमें मैंने भी देखा कि कहते हैं कि 1846 में ये ट्रस्ट फॉर्म किया गया महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा, जबकि देखा जाए इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है वो 1882 में स्थापित हुआ, ट्रस्ट जो बनना शुरू हुए वो 1882 के बाद स्थापित, 1 मार्च 1882 के बाद। सबसे बड़ा सवाली निशान तो ये है कि ये ट्रस्ट उस समय कैसे बना? बिल्कुल सही, क्या ट्रस्ट बना था या जो कर्नैल सिंह जी ने कहा वो बात सही थी, इसको देखने की जरूरत है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि अगर वो डिपार्टमेंट था, लोगों को सैलरीज अच्छी मिलती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर सैलरीज मिलती थी और पेंशन्स मिलती थी, ऑल ऑफ ए सडन वो डिपार्टमेंट ट्रस्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया? ये सवालिया निशान है। और अगर ट्रस्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसमें सोल ट्रस्टी एक ही परिवार के लोग कैसे बन गए? जो धरोहर जम्मू कश्मीर के लोगों की है, हेरिटेज है हमारी,
हमारी डोगरा संस्कृति इससे झलकती है, उसके मालिक सिर्फ एक ही परिवार के लोग कैसे बन गए, ये सोचने की चीज है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, जैसे संजीव जी ने कहा, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी सिर्फ इसी की नहीं होनी चाहिए। हमें सुनने में आया कि एक शिव ना मंदिर था जिसमें नीलम की शिवलिंग थे, वो शिवलिंग अचानक से वहां से गायब हो गए। काफी हो हल्ला हुआ, शोर जब बहुत ज्यादा शोर हुआ उस चीज का, तो बाद में पता चला, हमें सुनने में आया कि डॉक्टर करण सिंह जी ने यह स्टेटमेंट दी है कि वो शिवलिंग मैं खुद वहां से लेके गया हूं, मैंने पूजा करनी होती है। हमें यह समझ नहीं आई, जैसे चाड़क जी ने कहा कि डॉक्टर करण सिंह जी बहुत विद्वान हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं, क्या उनको इतना ज्ञान नहीं था कि जो शिवलिंग एक बार स्थापित हो चुका हो, जिसका जीवादान हो चुका हो, उसको वहां से उठा करके अपने घर ले जाना और वहां पूजा करनी, वो कहां से सही साबित होगा। और अभी तो हमें उड़ती उड़ती जो लोगों का शोर है वो सुनाई दे रहा है कि उन्होंने किसी कहीं 65 करोड़ में वो शिवलिंग बेच भी दिया। भी सच है झूठ है गॉड नोज, लेकिन र्यूमर्स ये हैं। अगर ऐसे र्यूमर्स डॉक्टर करण सिंह के खिलाफ उठ रहे हैं, तो इतनी बड़ी हस्ती होने के नाते और राजा होने के नाते उनको इसकी क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि जब प्रजा में शक का माहौल बन जाए तो राजा का फर्ज बनता है कि उस शक को दूर किया जाए, प्रजा के सामने उसकी क्लैरिटी की जाए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे। दूसरा, यहां पे रणवीर संस्कृत लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहां पे स्वर्ण अक्षरों में राग रागनी लिखी गई थी किताब में, वो किताब करोड़ों की किताब थी, वो भी वहां से गायब है, ट्रस्ट के अधीन आती है। मैं कहता हूं अपना यहां, जैसे उन्होंने कहा कि जमीनें बेची गई, एक मेमोरेंडम बना था अपना 1 जून 2010 में, जिसके तहत 10 में बना था मेमोरेंडम, उसमें उन्होंने पावर्स दी थी इनको, अपने सेक्रेटरी को, कि आप मेरे बिहाफ पे, ट्रस्टीज के बिहाफ पे, जितनी भी जमीनें हैं इनको आप लीज आउट कर सकते हैं, इनको सेल आउट कर सकते हैं, और इनका जो जितना भी फंड्स है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। वैसा क्यों किया, सिर्फ सेक्रेटरी के साइन हुए, उनके अपने साइन वहां नहीं हुआ करते थे। तो जितनी भी धर्मा ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज थी जो इन्होंने ट्रस्ट बनाया, एक मोटिव था इसका कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी डोगरा हेरिटेज साइट्स हैं, टेंपल्स हैं, लैंड्स, आपको मालूम होगा जितने भी हमारे यहाँ पे मंदिर, प्राचीन मंदिर हैं, उनकी कई हजारों कनाले जमीन हुआ करती थी, प्रॉपर्टीज होती थी, और उसी से उनका रेवेन्यू चलता था, उसी से उनका रखरखाव भी होता था। लेकिन आज आप देख लीजिए, जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं जम्मू के अंदर हैं, कश्मीर के अंदर हैं, वो सारे लीज आउट हो चुके हैं जमीनें, या उनको सेल आउट किया गया है, और वो भी नॉन हिंदू लोगों को। ये सरासर डोगरा कल्चर के ऊपर एक आघात है, एक हमला है। डोगरा कल्चर को खत्म करने की साजिश किसी और ने नहीं रची, ये हमारे अपने ही लोग रच रहे हैं, जो इसके रखवाले बनते हैं वही इसका डोगरा कल्चर को, डोगरा हेरिटेज को समाप्त करने में तुले हुए हैं, सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए, अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए, और अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। इतनी जब शक शोभा इस मसले में आ जाए, धर्मा ट्रस्ट के ऊपर इतने सवालिया निशान उठ रहे हैं, धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉयज पिछले 57 डेज से एजिटेशन के ऊपर हैं, अगर वो आप कहते हो कि ये एक सोची समझी साजिश है धर्मा ट्रस्ट को बदनाम करने की, आप उस बदनामी को दूर कीजिए, आप सामने आइए। जैसे हमें सुनने को आया कि आज आपने उनको पैनल में बुलाया था यहाँ डिस्कशन करने के लिए, सीधी बात में आप सीधी बात कीजिए, जो सवालात आपके ऊपर उठ रहे हैं, जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहे हैं, आप उनका जवाब दीजिए, आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। लोग क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, मैं बीइंग ए स्टूडेंट लीडर, बीइंग ए यूथ लीडर, मैं खुद जवाब मांगता हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो आप सच सामने लाइए। अगर कोई आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है, आप कोर्ट में जाइए, मानहानि का दावा कीजिए, ताकि हमें सच का पता चले कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्या ये पंडित लोग या जो एम्प्लॉयज हैं धर्मा ट्रस्ट के, ये सच कह रहे हैं, या आप लोग सच कह रहे हैं, या आप झूठ छुपा रहे हैं, या ये झूठ छुपा रहे हैं, पब्लिक ये जानना चाहती है सीधे तरीके से। अब ये बात किसी पर्सनल उसकी नहीं रही, किसी ट्रस्ट की बात नहीं रही, ये अब बात है जम्मू कश्मीर के लोगों की बात बन चुकी है, जम्मू कश्मीर की आन बान और शान था ये ट्रस्ट, ये जो हमारी धरोहर है, जैसे चाड़ा जी ने कहा मंदिरों का शहर है। आज मंदिरों के शहर में पूजा पाठ होने के बजाय इल्जाम लग रहे हैं, और वो भी घिनौने इल्जाम, शिवलिंग बेचे जाने,
मंदिरों की प्रॉपर्टी बेची जानी, ये बहुत ही सीरियस इल्जाम है, बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है। इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट जो कहता है, ट्रस्ट का जो आइन है वो ये कहता है कि जब कोई ट्रस्ट में किसी ट्रस्टी के ऊपर एलिगेशन लगना शुरू हो जाए, शक पैदा हो जाए, तो ट्रस्ट का या ट्रस्टियों का फर्ज बनता है सेक्रेटरी के द्वारा अपना जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करके पब्लिक किया जाए, ताकि आपके ऊपर जो शक शुबह हैं, जो आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं उनकी क्लैरिफिकेशन हो सके। अगर आप वो ऐसा नहीं करते तो ये रूल भी है कि इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए, एक ऐसी कमेटी बिठाई जाए जो सारे इल्जामों की तहकीकात करे, सच का सच और झूठ का झूठ पब्लिक के सामने लाए। पुष्पेंद्र जी, जो इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि बाढ़ ही खेत को खाने की कोशिश कर रही है, और ऐसा धर्मा ट्रस्ट में सब कुछ सही नहीं लग रहा है। अग्रवाल जी, एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह पुष्पेंद्र जी ने कहा कि एक क्लेरिफिकेशन चाहे डॉक्टर करण सिंह साहब की तरफ से या किसी भी उनके अहदेदार, उनके पुत्र युवराजों की तरफ से आ सकती थी, ऐसे में जो आपकी एजिटेशन चल रही है, 57 दिन हो गए हैं, क्या दरबार ट्रस्ट की तरफ से कोई इनविटेशन या वार्ता के लिए आपको कोई पेशकश की गई? देखो, वो एक बात तो मैं ये कहूँगा, उनकी क्लैरिफिकेशन जो हम बोलते हैं ना स्कैंडल जी, उनके ऊपर तो वह बात नहीं करते। इसी चीज़ के दुख के मारे तो हमें नौकरी से निकाल दिया कि हमें कोई एक्सपोज ना करे। मैं जब वहाँ अकाउंटेंट था, मैं आपको बताया 300 रुपया तनख्वाह और 12 लाख की गाड़ी खरीदी गई विक्रमादित्य सिंह ने, 1-1 लाख के हरिनिवास के टेलीफोन के बिल, 1-1 लाख के पेट्रोल डीजल के बिल। जब यहाँ से निकले तो हमारी तो जो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। हमने तो राम को, राम प्रभु, ये क्या हो रहा है, ये आपका दरबार, ये क्या हो रहा है, ये चड़तल का माल। और एक तरफ लिखा हुआ है 1 करोड़ गऊ का पाप का हकदार, ये कहाँ है कसमें। मैं तो उन राजाओं को पुकारने लगा चीख चीख कर, ये क्या है प्रभु, इनको शर्म ही नहीं है, बात क्या करेंगे, ये फेस नहीं कर सकते। अभी इनके जो चोर चक्के चिमचे रखे हुए हैं वो इनको बस बिसाब रूप अपने घर भर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है कुछ, इनको कोई मैंने आपको बताया, मुझे डॉक्टर करण सिंह जी ने दिल्ली बुलाया, एक ही पॉइंट था, मैंने पूछा 1 करोड़ रुपया मुझे बताओ, जब करण मार्केट बनी कंट्रोवर्सी हुई, धारा 144 लगी, हम पे वो मर्डर अटैक हो गए, बड़ोद बस्ती मारा रुकना आप जा रहे एसोसिएशन का, उसके ऊपर मर्डर अटैक हो गया, हम क्या बोल रहे थे, हमें दुकान नहीं दो, जहाँ हमें कोई जमीन दे दो। हमने तो यही कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें कोई टेंडर नहीं हुआ, अपने लोग थे इनके, उनको इनको उनको पालने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपये का गड़बड़ घोटाले किए और खुद पैसा खाया। ये क्या बात कर सकते, यात्री भवन का इन्होंने पैसा खाया, आप देखो इन्होंने रघुनाथ मंदिर का खजाना उठा लिया, कहाँ गया खजाना। और हमारा ओल्ड ऑफिस जो श्रीनगर के अंदर यात्री जो रणवीर भवन, वो रघुनाथ मंदिर के नाम पे है, ये खुद लिख रहे हैं, मान भी रहे हैं ये मंदिर की जगह है, और बेच किसको रहे हैं, गैर हिंदुओं को। लानत है हमारे, हमारा सनातन धर्म कहाँ गया, जहाँ कोई यूनिवर्सिटी होती इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, रघुनाथ मंदिर के अंदर मैं आयुर्वेदिक कॉलेज बनाऊंगा, बना क्या, वहां एक डिस्पेंसरी बननी थी, बनी क्या, वहां पुजारियों के लिए हमें अशोर किया गया, जो पुराने पुजारी हमारे वहां रहते थे, गार्ड माली रहते थे, गरीब लोग रहते थे, और उनको शिफ्ट किया गया, और यह मानना हमें लिख आर्डर है हमारे पास कि जहां 24 क्वार्टर पुजारियों के लिए जो रघुनाथ मंदिर में काम करते हैं, ताकि दूर दराज थे उनको आने में दिक्कत आती है, उनके क्वार्टर बनाए जाएंगे। बने क्या, कहा कोई नहीं बने, सारा झूठ, हम गलत हो गए। आज हम अगर बोलते हैं पब्लिक के बीच, हम आवाज उठाते हैं, तो इनके चोर चक्के जो चिमचे इन्होंने रखे हैं वो नहर लगाते नहीं जी, बदनाम कर रहे हैं, और ये भी बोलते हैं हमारे ऊपर इन्होंने 7 लाख मानहानि का दावा किया, हमने वो केस लड़ा और जीता हमने, कृष्ण नारायण सिंह जी ने तो केस लड़ा नहीं, इंद्रजीत खजूरिया मैं रह गए, हमने केस लड़ा हाईकोर्ट से, हमने जीता, उसमें भी यही कहा जी ये बोलता है, जे जी हम अखबारों में देता है, जे हमारे स्कैंडल उठाता है, हमारी मान हो गई, मानहानी हो गई, हमारा ट्रस्ट को बदनामी कर दी। हमने वो केस जीत के इनको बताया, जज साहब ने बोला कि भाई ये जो 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 इस इल्जाम लगा रहा है इनकी जांच होनी चाहिए, करवाओ ना जांच है तो। और इतने इल्जाम लगने के बाद बेशर्मी तो यह है कि रात अंधेरे में आते हैं, हमने अपने नाम चलाते हैं, हमने रुकना
शिवजी जी का जो पार्क बना है वहाँ, वहाँ इन्होंने लगाया जशोकरण पार्क, क्यों? वो शिवजी की जगह है, भोले शंकर का स्थान है, हमने उसको रिप्लेस किया और फ्लैग्स लगाए कि जहाँ शिव पार्वती भाटका होना चाहिए। क्या जी मैंने अपना नाम लगाया, रात को आते हैं और फ्लैग्स मार दी, इनको शर्म नहीं आई कि भोले शंकर की ये पूजा करते हैं? इन्होंने कभी देखा भोला शंकर? आओ हम बताएं कैसा हो तो भोला शंकर, हमें 30 साल हो गए तपस्या उनकी करते, वो हमारे अंदर है, प्रकट हो गया है और छोड़ेंगे नहीं इनको, जालमों को। करनाल जी, कई महत्वपूर्ण चीजें आप उठाइए, पंडित जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, यहां से आगे क्या रणनीति रहेगी धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की? क्या इस संदर्भ में माननीय एलजी से कोई मुलाकात हुई है इस संदर्भ में कि इसको भी श्राइन बोर्ड या ऐसे ही किसी बोर्ड के अधीन लाया जाए जो न केवल मंदिरों का रखरखाव करे बल्कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, उनको श्राइन बोर्ड की तर्ज पर ही वेतन दिया जाए? देखिए सर, हमारी 10 तारीख को मीटिंग हुई थी गवर्नर साहब से, जैसे हम गवर्नर साहब सी से आगे जाते हैं तो उन्होंने एक ही सेंटेंस में सारी बात खत्म कर दी, पिक्चर क्लियर है, जो भी एजेंसीज है पूरी रिपोर्ट दे रही है, आई विल टेक द एक्शन, इतनी सी बात हुई। और उन्होंने जब हम गए, हम इसमें ऋषि निवास में था, उन्होंने उठ के प्रणाम भी किया कि वो तो धार्मिक है, ब्राह्मण है काफ़ी, तो उन्होंने, इसलिए हम उनसे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई एक्शन हो, क्योंकि 10 तारीख आज 26 हो गए, 16 दिन हो गए, तो वो तो किंग है, वो तो रातों रात काम कर सकते हैं, वो तो उनको तो ज्यादा डिटेल में पूछने, ये मसला क्लियर है। जब जो पिछले गवर्नर साहब थे, मुर्मू जी थे, वहां पूरी फाइल तैयार हुई है कि इनका पूरा लेखा जोखा सारा है, और हमने भी उनको पूरा इतनी मोटी फाइल लेखा जोखा दे के आए हैं उनको कि जल्दी से आप इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लीजिए। उनके ऊपर हम पे रोल भी दे के आए हैं, ताकि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम उनको पे रोल दे के आए हैं, ये देखिए कि मुलाजमों को कितनी कितनी पे मिलती है। तो हमने 31 तक उनको एक थोड़ा सा टाइम बाउंड किया हुआ है कि 31 तक कोई, 31 जनवरी तक कोई ना कोई वो औपचारिक ऐलान करें। और हमने जितनी भी हमारी एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रण लिया हुआ है कि 1 फरवरी को हम सामूहिक जल समाधि चिनाब दरिया में लेंगे, हमारी लाशों के ऊपर से निकलने के बाद इसका बोर्ड बनाए ना बनाए वो आप पे डिपेंड है, उसे एक बाद हमारा, जब हम इस जीवित नहीं रहेंगे संसार में तो आप पीछे से जो मर्जी करते रहिए, क्योंकि हमारा जो मुलाजिम है, हम जो मुलाजिम है, बहुत इन्होंने बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए, उनका बहुत शोषण हो चुका है सर। आज इकट्ठे हुए, ये 97 में अजाज शत्रु जी बोलते हैं कि इनकी पे श्राइन बोर्ड के मुताबिक की जाएगी, ये है पेस, ये खुद 97 में, और इसमें भी हम एजिटेशन पे, एजिटेशन कॉल ऑफ करवाई थी कि हम इसकी पे एज पर श्राइन बोर्ड के मुताबिक करेंगे। 93 में बीजेपी के सीनियर लीडर वैद्य वैष्णव दास जी, उन्होंने बोला था कि इसका बोर्ड बनना चाहिए, और उसके बाद डॉक्टर करण सिंह जी ने बोला था, जे रैली में बोला हूं, जहां पे आपका आयुर्वेदिक कॉलेज बनेगा, आयुर्वेदिक कॉलेज बनेगा, ये पूरा इसका, ये देखो पूरा उनकी पूरा है सारा, क्या आयुर्वेदिक कॉलेज बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, वो कहां गई? झूठे बिल्कुल, ये आजाद, ये बैद विष्णु दास ने सीनियर बीजेपी लीडर वाले 93 में, और ये 97 में श्री आजाद शत्रु जी ने खुद लिखा हुआ इधर कि श्री माता वैष्णो देवी के पर आपकी वो पे मिलेगी, तो वह कहां आज तक क्यों नहीं हुआ? तो ये हम उनको बताना चाहते, जी आपने बोला था, हमने नहीं बोला हुआ, आप अपने वादों पे भी कामयाब नहीं है, इतना झूठ क्यों है? क्या इसके साथ साथ, जिस तरह आपने कहा कि एलजी साहब से 10 तारीख को मुलाकात हुई थी, कानूनी प्रावधान ढूंढने की प्रयास जारी है इस दिशा में? जी, हमें तो पूरा विश्वास है कि हमें जो पता चला है कि काफी जो उनके जो चीफ सेक्रेटरीज है, मंदिर के बाहर से अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से वो देख रहे हैं सारा कि किस तरह से इसको स्कंजा डालना है। हम इस पे पूरा विश्वास है कि एलजी साहब कोई ना कोई कानून जरूर बनाएंगे, और उसका हमें पूरे, ताकि डोगरा धरोहर को बचाया जाए, अदरवाइज तो नहीं तो ऐसा टाइम ना हो जाए कि डोगरी जो चीज है किताबों में मिलेगी। करनाल जी, बिल्कुल संक्षेप में आपसे जाना चाहूंगा, क्या कानून का एक रास्ता निकाला जा सकता? हाँ, कानून का ऐसा है कि हमने 2011 में ऑलरेडी
एक केस सेक्शन 92 के तहत रिमूवल ऑफ ट्रस्टी वो सेशन जज जी के पास चल रहा है, उसमें हमने एप्लीकेशन भी मूव की है कि टिल द डिस्पोजल ऑफ दिस केस उसको रिजाइन रिसीवर बिठाया जाए डीसी जम्मू डिवीजन कमिश्नर। लेकिन बीच में कोरोना आ गया, उसके ऊपर पूरी बहस है, मैं उसमें गवाही हूँ, मेरे साथी प्रीतम शर्मा है उसमें विटनेस हैं और बहुत से जम्मू के जो बेल विश्राफ धर्मा ट्रस्ट वो उसमें पार्टी हैं, उसमें अनिल शर्मा जी हैं और हमारे वकील जो रघु मेहता हैं उसमें लड़ रहे थे रघु मेहता जी। लेकिन अब जो है अब हमारे अंकुर शर्मा जी भी उसको देख रहे हैं, तो हमें लीगली प्रोसेस भी हमारा है। 2000 में एक PIL की थी, वो भी शहरीदारों ने की थी, उसमें हमारी जूनियर जो एसोसिएशन थी पार्टी बनी 900/2009 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डबल बेंच में, उसमें मान्य है डबल बेंच में उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं पास किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस पॉइंट पे रिट को डिस्पोज ऑफ कर दिया कि गवर्नमेंट ने ये नहीं मानना कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एक नंबर। दूसरा उसने कहा जो कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर वो ये है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करे, और उस ऑर्डर में हॉनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने ये माना कि क्योंकि जो जब राजा थे रूलर थे तो ये सारी प्रॉपर्टियाँ ये धर्मार्थ महकमा सरकारी और टेंपल भी सरकार ही गिने जाते थे, और जब 1947 में जब पूरा जम्मू कश्मीर विलय हो गई तो ये भी जो संपत्तियाँ थी ये ऑटोमेटिकली इनका कोई सलूशन बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो थ्रू PIL रिजोल्यूशन नहीं हो सकता, लिहाजा आपको प्रॉपर फोरम में जाना चाहिए। तो प्रॉपर फोरम में हमने डिस्कस किया तो हमारे वकील साहब ने बोला कि ये सेक्शन 92 रिमूवल ऑफ ट्रस्टी और इन्होंने जो मिसमैनेजमेंट जो ज़मीनें बेची हैं इनके ऊपर केस बनता है, तो वो केस चल रहा है अभी, वो इन्फोर्स है, केस चल रहा है। ठीक है राजीव जी, क्या यहाँ से आगे, क्योंकि एक तो धर्मा ट्रस्ट है और कभी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर ये इस तरह की समस्याएं आती हैं कि जो चढ़तल है कहीं ना कहीं वो उसका जहाँ पर प्रयोग होना चाहिए था वहाँ पर नहीं हो रहा, ऐसे में यू इन द कैपेसिटी ऑफ ए सीनियर BJP लीडर क्या पार्टी की तरफ से भी इनके जो जेन्युइन काजेज हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा? देखिए पहली बात तो ये है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में मंदिर हैं जी, जैसा अभी करनाल जी बता रहे थे, जितनी भी ऐसी संपत्ति हैं कि जो इस तरह से इंटर हुई हैं कि महाराजा धीराज जम्मू कश्मीर के नाम पर, वो सारी की सारी संपत्तियाँ जो हैं वो सरकारी संपत्ति हैं। जो पीछे जगमोहन जी ने केस किया था उन्होंने साफ लिखा था दोज प्रॉपर्टीज एंटर्ड एज हिज एक्सीलेंसी महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो इस नाम से वो की हुई हैं वो सारी की सारी जो उनकी मालिक जम्मू कश्मीर सरकार है, तो जो जम्मू कश्मीर सरकार की संपत्तियां हैं उनके ऊपर अगर किसी ने अधिपत्य बनाया हुआ है तो वो अधिपत्य छुड़ाना है, उसके लिए भाजपा जो है वो बिल्कुल तत्पर है कि इसमें ये दो राय नहीं है। ऐसे ही भावे वाली माता का मंदिर है, बिल्कुल भावे वाली माता का मंदिर है, वो जो आर्मी के अधीन आता है वहाँ पर पुजारियों की एक इंच मात्र जगह भी उनके नाम पर इंडोर्स नहीं है, यहाँ तो ट्रस्ट होगा वहाँ पे तो ट्रस्ट भी नहीं है, वहाँ भी पुजारियों ने एक फैमिली ट्रस्ट बनाया था लेकिन बीच में लड़ाई हुई वो समाप्त हो गया, करोड़ों की संपत्ति है। मेरा ये मानना है कि ऐसे जितने भी मंदिर हैं यहाँ पर करोड़ों का चढ़ावा हुआ होता है, उन मंदिरों को श्राइन बोर्ड के अधीन करते हुए जम्मू के जितने भी मंदिर हैं उनको विकसित किया जाए, बिल्कुल यहाँ पर पुजारियों को कम पे मिलती है, ऐसे मंदिरों से अनुदान लेते हुए वहाँ पर वितरित किया जाए ताकि वो मंदिर विकसित होंगे। तो मंदिर विकसित करने का मायने है कि हम अपने युवाओं को एक रोजगार दे रहे हैं, यानी ये जो स्टेट एक्सचेकर है उसके ऊपर एक वर्डन कम होता है जो बेरोजगारी बनी हुई है। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि अगर बेरोजगारी हमने दूर करनी है तो ऐसे जो कि किसी निजी हाथों में मंदिर हैं जिनका पैसा एक ही परिवार में जा रहा है, या ये जो धर्मा ट्रस्ट है ये भी पैसा एक ही परिवार में जा रहा है, जितनी यहाँ से संपत्ति जो है सेल आउट होती है उसका पैसा भी जो है खुर्द बुर्द होता है,
मैं तो ये भी कहूँगा जितने भी तोशखाने थे वो सारे के सारे लूट लिए गए। महारानी तारा जी ने अपना एक ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट में उन्होंने लिखा था कि जब मैं जीवित नहीं रहूँगी जो मेरा जितना भी गहने हीरे जवाहरात सोना जितना भी आभूषण है और जितना मेरा अकाउंट है वो सब का सब जो है वो जितनी भी विधवाएं हैं उसके इंटरेस्ट से उनको पेंशन दी जाए। क्या वो आज पेंशन चल रही है? यानी इस प्रकार हर एक राजा ने अपने आभूषणों का एक ना एक ट्रस्ट बनाया हुआ था। आज वो सब के सब आभूषण जो थे उन तोशखानों से गायब हो गए, इसका जवाब कौन देगा? यानी जब ट्रस्टी चोर हो जाए तो तब सरकार का एक दायित्व बनता है कि उस ट्रस्ट के ऊपर अंकुश लगाया जाए, उसको रोका जाए और जहां उसमें सरकार हस्तक्षेप करते हुए सरकार जो है वहां की कमांड संभाले ताकि जो लोगों की संपत्ति है, यानी ट्रस्ट का मायने है ट्रस्ट तभी बनता है जब किसी पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, उस संपत्ति को ठीक हाथों में जो दे देना चाहिए। अब ये ट्रस्टी और ये बावे वाले पुजारी इन सब का जो पाप का बांडा है वो बढ़ चुका है। अब सरकार को अतिशीघ्र इसमें हस्तक्षेप करते हुए इसका एक बोर्ड बनाना चाहिए ताकि इन जितने भी यहाँ धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉयज हैं इनको भी एक राहत मिल सके। पुष्पेंद्र जी, जो तस्वीर बयां कर रही है कि जो धार्मिक विरासत है आस्ता आस्ता सिकुड़ती जा रही है और जहाँ पर रख रखाव होना चाहिए था और जिन्होंने रख रखाव करना चाहिए था वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्या आवश्यकता इस बात की है कि जो एक जेन्युइन काज है धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन का, जो सनातन से जुड़े हैं, हिंदू आस्था से जुड़े हुए, क्या जम्मू की सिविल सोसाइटी, जम्मू के डोगरों को एकजुट होकर इनके इस काज को सपोर्ट करना चाहिए? वीरपुर में विद्यालय में बड़ी ही हालत खस्ता थी, हमने तब भी एजिटेशन की, हमने प्रोटेस्ट किया धर्मा ट्रस्ट के ऑफिस में जाकर के। आप यकीन मानेंगे वहां के जो एम्प्लॉयज थे, अब पता नहीं उन्होंने गूंज पाले थे क्या थे, खोखरियां लेकर उन्होंने हम पे हमला कर दिया। हमारे लड़कों ने उनको कैप्चर करके उनकी खोखरियां पुलिस के हवाले कर दी, लेकिन पुलिस भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। ये धर्मा ट्रस्ट के मतलब वहां का ये हाल था, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन जम्मू की, कश्मीर की जनता को, कश्मीर की मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जम्मू की जनता को एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, हमारे जो हालात हैं वो सुधरेंगे। जैसे संजीव जी ने कहा, वैद्य विष्णुदत्त जी ने खुद कहा कि हम ये बनाएंगे, हम धर्मा ट्रस्ट का ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आज विवेक जी हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनडायरेक्ट जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो जैसे चाडक साहब ने कहा कि गवर्नमेंट को ये स्टेप लेने चाहिए, चाडक साहब गवर्नमेंट आप हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, आप स्टेप क्यों नहीं ले रहे? मुलाजमों की इतनी दुर्दशा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतना, आपने खुद कहा ट्रस्टी चोर हैं, ट्रस्टी कौन है, इनके वर्ड्स हैं, ट्रस्टी चोर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने चोरों को अपने पास क्यों रखा हुआ, ये हमारी समझ से बाहर है। बीइंग ए जनरल पब्लिक, मैं तो ये क्वेश्चन रेज करूंगा आप ही की बात के ऊपर, अगर चोर हैं उनके ऊपर एक्शन क्या लिया गया? अगर ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को वो किसी गैर हिंदू लोगों को बेच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं जहां पे, तो ऐसा एक्शन क्या लिया भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लीडरों के ऊपर? यहां उनसे इतना डर है कि भारतीय जनता पार्टी इन लीडरों के ऊपर एक्शन नहीं ले पा रही, ऐसा क्या कारण है? एम्प्लॉयज 57 डेज से एजिटेशन के ऊपर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या सपोर्ट किया? आज आपने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को भी कुछ लोगों को फोन किया था, लेकिन क्या है रीजन है कि वहां पे इनकी सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी? यही प्रॉपर्टीज बिकवा रहे हैं जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए, सीधा सीधा उनके ऊपर एलिगेशंस हैं। तो अगर ये इतने चोर हैं तो हमारी सो कॉल्ड नेशनल पार्टीज, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लीडरों को अपने दामन के साथ क्यों जोड़े रखी हुई है, अपनी गोद में इनको क्यों बिठाया हुआ है? और अगर कोर्ट में भी कुछ ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? सरकार करवाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है, ये जोर जोर से बोलते हैं जय श्री राम, अगर भारत में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, तो मंदिरों की प्रॉपर्टी बेचने वाले लोगों को आप अपने साथ रखोगे? बिल्कुल ब्रीफली, क्योंकि और शॉर्ट टाइम, आपका क्या रहेगा पार्टी का स्टैंड? अरपिंदर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक
सीधा सा स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी में ही एक लोकतंत्र है। आज जो आप बहस करवा रहे हैं ये सीधी बात, इसमें लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, बिल्कुल गणतंत्र दिवस। इस दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक की विपोती नहीं। कि अगर कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी में रह के कोई व्यक्ति गलत करेगा तो वो बच सकेगा। भारतीय जनता पार्टी में ये पारिवारिक पार्टी भी नहीं है। यहाँ पर अगर कोई गलत करता हुआ दिखता है तो पार्टी ने उस पर संज्ञान लिया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस पर नहीं बच पाया कि जिसने कोई गलती की होगी और फिर वो बचा होगा। और सीनियर लीडर किसी के साथ जोड़ना मुझे नहीं लगता कि बिना काम किए कोई सीनियर लीडर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में तो लीडर वही है जो काम करता है, जो दिखता है सो बिकता है, जो एक बिहाइंड कर्टन बैठा हुआ है काम नहीं करता तो उसको भी आप कहें कि इस प्रकार पार्टी की तो मोहर लगी, पार्टी की मोहर तो लगी हुई है। समय किसी बिल्कुल बिल्कुल अंत में बिल्कुल अंत में संक्षेप में यहाँ से आगे क्या करेंगे? हमने कर्मचारियों ने बीजेपी के दफ्तर के बाहर शंख बजाए जी, बीजेपी कर्मचारियों ने कांग्रेस के दफ्तर में शंख बजाए और यही डिमांड रखी कि इन चोरों को बाहर निकालो। लेकिन आज दिन तक ना कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं किया और ना बीजेपी ने किया। तो ये दुख का विषय है कि वो अपना स्पष्ट करें वो किसके साथ खड़े हैं। कर्मचारियों के जो नस्ती ईमानदार कर्मचारी, जो बंधुआ मजदूर है, जो आजाद होना चाहते हैं, आज अगर जहां 26 जनवरी आजादी का दिन मना रहे हैं तो आज भी कर्मचारी वंशवाद का, जैसे चाड़क साहब ने कहा, जो काम करेगा वो लीडर है। मुझे ये समझ नहीं आया कि अजात शत्रु जी ने ऐसा क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने मेन लीडर्स को छोड़ के उनको एमएलसी बना दिया। संजय जी बिल्कुल अंत में बिल्कुल जी, आप हमारी एसोसिएशन का जब तक इसका कोई बोर्ड नहीं बनता या इसको श्राइन बोर्ड में डालते तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चेन हंगर स्ट्राइक चलती रहेगी, चाहे हम भूखे भी मर जाएंगे, नो कोई प्रॉब्लम नहीं। आस्था की ये लड़ाई और इस लड़ाई के दो आयाम, एक तो जो मंदिर दरबार ट्रस्ट के अधीन आ रहे हैं उनके रखरखाव के लिए, और दूसरा एक मानवीय मुद्दा जो ह्यूमन रिसोर्स, जो स्टाफ, जो पंडित दरबार ट्रस्ट के मंदिरों में अपनी सेवाएं पिछले कई सालों से दे रहे हैं, उनकी ही मांग है कि इस महंगाई के दौर में जो पगार वो ले रहे थे क्या उसे जीवन यापन करना संभव है। और जो कहीं ना कहीं जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं माननीय एलजी महोदय को, कहीं ना कहीं इस पर गौर करना होगा। नहीं तो जिस तरह पंडित संजीव जी ने कहा कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जम्मू की सिविल सोसाइटी को कहीं ना कहीं आगे आना होगा, क्योंकि ये डोगरों की आस्था कि साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, इस पर ध्यान देने की बात है। कर्नल चंद जी, पंडित संजीव जी, राजीव चारक जी और पुष्पेंद्र जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।